11 जून को जन्मे व्यक्ति मानवतावादी होते हैं, दूसरों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण रवैया रखते हैं, बेकार के लड़ाई झगड़ों से दूर ही रहना पसंद करते हैं, बल्कि दूसरों के झगड़ों को निपटाने में अपनी बुद्धिमत्ता और कुशलता का परिचय देते हैं। इनका मानसिक और बौद्धिक स्तर काफ़ी अच्छा होता है। इनका विजन वाइडर है, ब्रॉड है, बहुत सारी चीज़ों को एक साथ समझना, कंसीडर करना, इनके सोचने समझने की शक्ति ज़बरदस्त होती है, डीप अंडरस्टैंडिंग होती है, मुद्दे की बात को जल्दी समझ जाते हैं, पॉजिटिवली लेते हैं दूसरों की बातों को, सुनते भी हैं और अपनी बात को भी कह लेते हैं, आसानी से समझा पाते हैं, जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेते, सारी बातों को जांच कर परख कर सोच समझ कर डिसीजन लेते हैं। इनके माइंड में क्लियरिटी रहती है कि किस डायरेक्शन को इनको चूज़ करना है, क्या करना है इन्होंने लाइफ में, इनका विजन क्लियर है, पूरे धैर्य के साथ लाइफ के डिसीजन लेते हैं, इसीलिए ये लोग एक अच्छे मैनेजर साबित होते हैं। मैनेजमेंट स्किल इनकी बहुत ज़बरदस्त होती है। इनके काम में आप कोई भी कमी या गलती नहीं निकाल पाएंगे। काम को समाप्त करने से पहले पूरी तरह से जांच लेते हैं कि कुछ बाकी तो नहीं रह गया या कितना इफेक्टिव है हमारा वर्क। पहले खुद से ही उसे जांचते हैं, फिर आगे उस काम को प्रेजेंट करते हैं। बहुत ही कंपैशनेट होते हैं, सबको साथ लेकर चलते हैं, अपने साथ जुड़े लोगों का पूरा ख्याल भी रखते हैं, बहुत ही केयरिंग प्रोटेक्टिव नेचर है, सेवा भाव काफ़ी है इनमें, क्रिएटिव फाइल के हैं, क्रिएटिव माइंड के हैं, हेल्पफुल हैं, मदद करते समय भी ये ख्याल रखते हैं कि ये लोग जरूरतमंद की ही मदद करें, बहुत ही रिस्पॉन्सिबल पर्सन हैं, पूरी जिम्मेवारी के साथ काम को पूरा करेंगे, अगर आप इन्हें कोई काम देंगे तो पूरी देखभाल के साथ और अच्छे से उस काम को पूरा करके आपको सौंपेंगे, काम के मामले में इन पर पूरी तरह से भरोसा किया जा सकता है। ऐसे व्यक्ति सेल्फ सफिशिएंट होते हैं, अपनी जरूरतों के लिए दूसरों पर डिपेंड नहीं रहते हैं, खुद ही अपनी जरूरतों का सामान एकत्रित कर लेते हैं। इन लोगों के पास अच्छी मात्रा में धन होता है, समाज में इनकी खूब मान प्रतिष्ठा होती है, भावनाओं में बहकर ये किसी के लिए कुछ भी कार्य करने से नहीं हिचकते हैं, अगर किसी के लिए इमोशनल हैं तो उसके लिए हमेशा मदद के लिए आगे रहते हैं। अगर ये लोग ऐसा प्रोफेशन अपनाएं, ऐसा करियर बनाएं, मानवता की मदद जहां पर हो, एनजीओ से रिलेटेड काम हो, टीचिंग, नर्सिंग, जहां पे केयरिंग वर्क ज़्यादा हो, ऐसे लोग वहां पर अच्छा काम करते हैं, समाज की प्रगति के लिए काम करते हैं। ऐसे लोग आर्टिस्टिक नेचर के होते हैं, क्रिएटिव फील्ड के होते हैं, ऐसे व्यक्ति कला और साहित्य के क्षेत्र में भी अपना खूब अच्छा नाम कमाते हैं, क्योंकि ये लोग कल्पनाशील ज़्यादा होते हैं, ख्वाबों की दुनिया में जीने वाले, इन्हें लगता है कि एक दिन इनके सपने अवश्य सच होंगे, इसीलिए ये लोग एक अच्छे लेखक, कहानीकार के रूप में हो सकते हैं, अपने दिल की बातें जो ये किसी के सामने उजागर नहीं कर पाते उन्हें अपनी कलम के द्वारा हाले बयां कर देते हैं। ऐसे लोग अच्छे कूटनीतिज्ञ भी साबित होते हैं। 11 जून को जन्मे लोगों का मूलांक होता है 2, लेकिन इसमें 2 चंद्रमा की एनर्जी के साथ साथ सूर्य की भी डबल एनर्जी शामिल है। चंद्रमा यानी कि शांति, आध्यात्म, कूटनीति, डिप्लोमेसी का सूचक है, और वहीं सूर्य की एनर्जी यानी कि लीडरशिप क्वालिटी, कॉन्फिडेंस, फोर्स ऑफ नेचर। अब 11 में जो एनर्जी यूज हो रही है वो आध्यात्मिक स्तर पे तरक्की पाने के लिए हो रही है, इसीलिए इस 11 के अंक को आध्यात्मिक ऊर्जा का नंबर भी माना जाता है। ऐसे व्यक्ति सामाजिक, धार्मिक और मानवता से भरपूर होते हैं, दयालु होते हैं, दानी होते हैं, दैविक शक्तियों को प्राप्त करने की इनमें योग्यता होती है। इन लोगों की कोशिश यही रहती है कि कोई भी इनसे नाराज ना रहे, जिस कारण ये अपने भावुकपने में, अपने जिद्दपने में, अपने इगोस्टिक नेचर के कारण अपने ही किए कराए पर पानी फेर देते हैं। इनकी सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये अपनी तारीफ के भूखे होते हैं, भावनाओं में बहकर इनसे बड़े से बड़ा कार्य आसानी से निकलवाया जा सकता है, यानी कि ये इमोशनल फूल बहुत जल्दी बन जाते हैं। इन्हें यहाँ दिल के साथ साथ दिमाग से भी काम लेने की आवश्यकता है, क्योंकि 11 का ये अंक अगर नेगेटिव हो गया तो ऐसे लोग धर्म के नाम पर लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं, पाखंडी साधु संतों की लिस्ट में ये लोग शामिल हो सकते हैं। 11 का ये अंक ध्यान से देखिए, 2 सूर्य से बना है, यानी कि ऐसे जातक के अंदर सूर्य की भी प्रधानता काफ़ी अधिक मात्रा में है, और इसी अधिकता के कारण इसका स्वरूप बदल जाता है। अकेला सूर्य ही इतनी तपिश देता है तो यहाँ पर तो 2-2 सूर्य का प्रभाव होगा, तो ऐसा सूर्य इन चीज़ों को गला देगा, उसको तरल कर देगा, यानी कि गर्मी वाला द्रव्य हो गया। अब अंक 11 वाले जातक के अंदर चंद्रमा वाले गुण तो होंगे, लेकिन गर्म स्वभाव वाला चंद्रमा होगा,
ऐसे जातक में सूर्य की गर्मी अधिक होने के कारण बहुत ही ज्यादा इगोस्टिक वाला होगा। ऐसा व्यक्ति भावनाओं में बहकर अपने ईगो के कारण अपना ही नुकसान करा बैठेगा, अपने अड़ियलपने में सारे किए कराए काम पर पानी फेर देगा। इन्हें अपने सूर्य को बैलेंस करना आना चाहिए, अपनी भावनाओं पर काबू रखना आना चाहिए, तभी ये लोग एक अच्छे समाज सेवी बन पाएंगे, क्योंकि ये सिर्फ अपना ही नहीं अपने आसपास के सभी लोगों का हित करने में लगे रहते हैं। इन लोगों की यही कोशिश रहती है कि इनसे कोई भी नाराज ना हो। 11 का ये अंक कोई साधारण अंक नहीं है, ये गूढ़ रहस्य के लिए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता है। 11 का ये अंक अदृश्य खतरों की चेतावनी देता है। ऐसे लोगों को दूसरे लोगों से मुकदमेबाजी का, धोखेधड़ी का आशंका हमेशा बनी रहती है। लाइफ में इन्हें दूसरे लोगों से के द्वारा काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाती है। 11 जून को जन्म व्यक्ति की सूर्य राशि है मिथुन, जिसके स्वामी हैं बुधदेव। कुंडली में सूर्य आपका जिस भी राशि में होगा वही आपकी सूर्य राशि होगी। अगर आपका सूर्य वृषभ राशि का है तो आपको मेरी 11 मई वाली वीडियो देखनी होगी, और अगर आपका सूर्य कर्क राशि का है तो आपको मेरी 11 जून को आने वाली वीडियो का इंतजार करना होगा, तभी आप अपने बारे में सही जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। सूर्य राशि हमारी सामाजिक छवि को दर्शाती है। आपका सोशल स्टेटस कैसा रहेगा ये हम सूर्य राशि से भलीभांति जान सकते हैं। यहाँ आपको एक बात और क्लियर कर दूं, जब भी आप अपने कैरियर का चुनाव करें तो अपनी सूर्य राशि और अपने डेस्टिनी को नंबर को देखकर, अपने भाग्यांक के अंक को देखकर चूज करें, क्योंकि हमारी बर्थ डेट हमारी नेचर को दर्शाता है, जबकि हमारा भाग्यांक जो कि ईश्वर के द्वारा दी गई हमारी डेस्टिनी है, हमारे पूरे जीवन की डेस्टिनी। इसलिए आप सभी को अपनी सूर्य राशि और अपनी मंथ के अनुसार अपने कैरियर का चुनाव करना चाहिए, तभी आप अपनी मंजिल को आसानी से प्राप्त कर पाएंगे। जय श्री कृष्ण दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं एक नज़र अपने आप पर भी डालना चाहती हूँ। मैं आर रूमी, एक काउंसलर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वैदिक एस्ट्रोलॉजर। अगर आप भी अपनी लाइफ से जुड़ी किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान मुझसे पर्सनल कंसल्टेंसी चाहते हैं तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं, या फिर आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, जहां आप डिटेल में सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। काउंसलिंग के जरिए आप अपनी डेट ऑफ बर्थ और कुंडली प्रेडिक्शन के द्वारा नेम के आधार पर अपनी हर समस्या का समाधान 2 से 3 सेशन में मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन एक बात का अवश्य ख्याल रखिएगा कि ये पर्सनल कंसल्टेशन पेड है। चलिए वीडियो को आगे बढ़ा लेते हैं और जान लेते हैं 11 जून को जन्मे लोगों के बारे में थोड़ा सा और अधिक गहराई से। आप लोगों पर चंद्रमा और बुध का प्रभाव विशेष रूप से देखने को मिलेगा। चंद्रमा यानी कि हमारे इमोशंस, हमारी फीलिंग्स, हमारे रिश्ते। यह चंद्रमा आपको सॉफ्ट हार्टेड, सेंसिटिव बनाता है। आप लोग क्रिएटिव माइंड के हैं, सेंशुअल बहुत हैं, चंचल, हंसमुख, रोमांटिक नेचर है आपकी। और वहीं दूसरी ओर बुध, जो कि बुद्धि है, इन्हें युवराज का दर्जा मिला हुआ है। ऐसे लोग तेज दिमाग वाले होंगे, इनके शौक भी राजकुमारों वाले होंगे। चंद्रमा आपको इमोशनल बनाता है, रोमांटिक बनाता है, पॉजेसिव बनाता है, तो बुध आपको फ्लर्टी नेचर भी दे देता है। अब यहाँ पर आप बहुत सेंशल हो जाते हैं, आप अपनी इच्छाओं को रोक नहीं पाते हैं, जो आपके पास है उससे आप तृप्त नहीं हैं, बाहरी दुनिया में आपकी भटकाव वाली स्थिति हो जाती है। अगर बुध आपका कमजोर है तो मैरिड लाइफ अच्छी सिचुएशन में होते हुए भी, अच्छी कंडीशन में होते हुए भी आप अपनी कामुक प्रवृत्ति पर रोक नहीं लगा पाते हैं, जिस कारण आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी बनते बिगड़ते देखे जा सकते हैं। आप जितनी तेजी से किसी से कनेक्टेड होते भी हैं उतनी ही जल्दी उनसे अलग भी हो जाते हैं। बात आपकी रिलेशनशिप की हो, लव लाइफ की या फिर मैरिड लाइफ में, आप एक ही समय में एक से अधिक रिलेशनशिप चलाते हुए देखे जा सकते हैं। बात अगर महिलाओं की जाए तो वो भी बेहद भावुक होती हैं और आसानी से दूसरों के प्रभाव में भी आ जाती हैं, फिर धोखा भी खाती हैं, कोई इन्हें इमोशनल फूल बनाकर अपना काम निकाल कर छोड़ देता है। यहाँ पर आपको अपनी भावनाओं पर काबू पाना होगा, अपने आप को दूसरे क्रिएटिव वर्क में बिजी रखना होगा। अगर आप आर्ट के किसी क्षेत्र में अपना रुझान रखते हैं तो बहुत आगे जा सकते हैं। चंद्रमा मन है, इंट्यूशन पावर देता है, बुध बुद्धि है। ऐसा व्यक्ति हर बात को गहराई से सोचेगा, ज्ञान का भंडार तो होगा ही, विवेक से काम लेने वाला होगा। हम ये भी जानते हैं कि बुध और चंद्रमा की आपस में बनती नहीं है, वो चंद्रमा के मन की बातों को एक्सेप्ट नहीं कर पाता, इसलिए ऐसा व्यक्ति ज्यादातर कंफ्यूजन की स्थिति में देखा जाता है। ऐसे लोग या तो बहुत ज्यादा बोलते हैं या बिल्कुल भी नहीं बोलते हैं, दिमाग में इनके कुछ ना कुछ चलता रहता है या फिर कुछ भी सोचने लायक नहीं रहते हैं।
इनके मूड स्विंग बहुत जल्दी जल्दी होते हैं, कब आप खुश हैं और कब आप एक पल से दुखी हो गए, कब गुस्सा करने लगे, आप कुछ नहीं कह सकते। हाँ, पुरानी से पुरानी बातें सब आपको सब याद रहती हैं, और कुछ नहीं तो पास्ट की बातों को, पुरानी बातों को पकड़ कर ही दुखी हो जाते हैं, डिप्रेशन के हालात पैदा कर लेते हैं। फिर ऐसा व्यक्ति हर बात को नेगेटिव पॉइंट से सोचने लगता है, अपने लिए ही बुरे हालात पैदा कर लेता है, उसे अपने आसपास के सभी लोग फिर नेगेटिव नज़र आने लगते हैं। हर चीज़ में ऐसा व्यक्ति कमियां ढूंढना शुरू कर देता है, हर बात को पकड़ने लगता है, धीरे धीरे फिर सभी चीज़ों से कटना शुरू कर देता है। ऐसा व्यक्ति जीवन भर खुद में ही उलझा उलझा रहता है, अपने में गुम रहता है। ऐसे व्यक्ति जिनका चंद्रमा बुध खराब स्थिति में होगा, ऐसा व्यक्ति बिना सोचे समझे बोलने वाला होगा, चिड़चिड़ाहट करता होगा, इरिटेट बहुत होता होगा, दूसरों की बातों को पकड़ता होगा, दूसरों का मजाक बनाता होगा। ऐसे व्यक्ति को नींद नहीं आती होगी, ओवरथिंकिंग बहुत करते होंगे। ऐसे व्यक्ति की सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है, कम हो जाती है, वो सही तरीके से कोई स्ट्रेटेजी भी अपना नहीं पाता, डिसीजन नहीं ले पाता। चंद्रमा और बुध हमारी मनोस्थिति पर पूरा प्रभाव डालते हैं। अगर ये हमारी कुंडली में मजबूत स्थिति में है तो ऐसा व्यक्ति अपने पूरे होशोवास में सोच समझकर काम करेगा। कुंडली में आपके चंद्रमा और बुध की स्थिति कैसी है, वैसे ही आपको यहाँ पर रिजल्ट प्राप्त होंगे। आपका चंद्रमा कैसा है, आपका बुध कैसा है, ये जानना चाहते हैं तो इसके लिए आप मेरी अच्छे और ख़राब चंद्र और बुध के लक्षण वाली इन वीडियोस को मेरे दूसरे चैनल पर, एस्ट्रोलॉजी के मेरे दूसरे चैनल पर देख सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एस्ट्रोलॉजी के मेरे इस नए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको आसानी से प्राप्त हो सके, आप अपने बारे में और भी अधिक गहराई से जान सकें। उपाय के तौर पर आपको अधिक से अधिक अपने शरीर पर चांदी धारण करनी चाहिए, सफ़ेद वस्त्रों का प्रयोग करना चाहिए, कन्याओं को समय समय पर उपहार देते रहना चाहिए, पक्षियों को दाना पानी डालते रहना चाहिए, माँ सरस्वती को अपने वर्क प्लेस पर या स्टूडेंट्स अपनी टेबल पर अवश्य स्थापित करें, हमेशा भोलेनाथ की शरण में रहें। और हाँ, इसके बावजूद परिस्थितियाँ इतनी कठिन हो जाएं कि कुछ समझ ना आए, तो काउंसलिंग की मदद भी अवश्य लें, ताकि आप अपने जीवन को एक सही दिशा प्रदान कर सकें, अपने जीवन को एक उच्चतम ऊंचाइयों की ओर ले जा सकें। आप लोगों के मित्र अंक बनते हैं 1, 3 और 7। 1 का अंक सूर्य देव, 3 का अंक गुरुदेव और 7 का अंक केतु का। आपके समान अंक होते हैं 5, 6, 8 और 9। 5 का अंक बुध का, 6 का अंक शुक्रदेव, 8 शनिदेव और 9 का अंक मंगलदेव का। आपके शत्रु अंक बनते हैं 4 का अंक, जो कि राहु का अंक है। वैसे तो आपके कोई भी शत्रु अंक नहीं है, लेकिन 4 का अंक राहु का, जो कि चंद्रमा को ग्रहण लगाने का कार्य करता है। राहु भौतिक सुख सुविधाओं में ग्रहण लगाता है और केतु आध्यात्म की ओर लेकर जाता है, इसीलिए राहु को शत्रु अंक माना गया है और केतु को मित्र अंक में शामिल किया गया है। आप लोगों के लिए शुभ तिथि और शुभ अंक बनते हैं 2, 11, 20 और 29, 7, 16 और 25 का अंक। आपके लिए शुभ दिन है रविवार और सोमवार, यानी कि संडे और मंडे। आपके लिए शुभ रंग होते हैं वाइट, सिल्वर, क्रीम कलर, लाइट ब्लू शेड, वाटर कलर, लाइट ग्रीन शेड, डार्क कलर को आपको जितना हो सके अवॉइड करना चाहिए। आप लोगों की दोस्ती और कंपैटिबिलिटी उन लोगों के साथ अधिक घनिष्ठ देखी गई है जो आपके ही टाइम पीरियड में पैदा हुए हों, यानी कि 21 मई से 27 जुलाई के मध्य जन्म लोग। और इस समय के बीच में अगर आपके साथी का जन्म 2, 11, 20 या फिर 29 तारीख को होता है तो सोने पे सुहागा। इसके अतिरिक्त 21 फरवरी से 27 मार्च, 21 जुलाई से 27 अगस्त और 21 नवंबर से 27 दिसंबर के मध्य जन्म लोगों के बीच आपका विपरीत लिंगी आकर्षण आसानी से देखा जा सकता है। अगर आप इस समय के बीच में 2, 11, 20 या फिर 29 तारीख को कोई नया कार्य आरंभ करते हैं, कोई शुभ कार्य संपन्न करते हैं, तो ये भी आपके लिए अति शुभ फलदायी साबित होगा। अगर आप अपने बारे में और भी अधिक जानकारी चाहते हैं, और भी गहराई से जानना चाहते हैं अपने आप को, तो मेरे साथ जुड़े रहिए। मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो आगे शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। हाँ, अगर आप मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं, अपनी समस्याओं का निदान पाना चाहते हैं, तो वो पेड हैं। आप उसके लिए मुझसे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर आप मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं। मैं आरुमी अभी आप सबसे विदा लेना चाहूँगी। जय श्री कृष्णा दोस्तों।